नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, ये पैनासोनिक का विंडो एसी है, हमारे पास आया हुआ है। और किसी इंजीनियर ने इसमें गैस चार्ज किया है, पिनवाल लगा है, आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा प्रेशर भी हम डाल रखे हैं। तो दरअसल इसमें लीकेज का फॉल्ट है। और ज़्यादातर इंजीनियर कस्टमर को बेवकूफ़ बना देते हैं कि भैया इसमें गैस ख़त्म हो गया है, गैस कम हो गया है, इसके नाम पर जो है वो धन उगाही करते हैं, गैस डालते हैं, कूलिंग आ जाता है, कस्टमर खुश होकर उनको तो पैसा दे देता है। लेकिन वही कंडीशन जब हफ्ता 10 दिन में फिर से क्रिएट हो जाता है तो कस्टमर बेचारा निढाल हो जाता है। तो ऐसा पहली बात तो इंजीनियर्स को नहीं करना चाहिए। कारण है कि कस्टमर का विश्वास उठ जाता है इंजीनियरों से कि हमारा ये काम था, इसे किए और बिगड़ गया। जब तक इसका लीकेज शट आउट नहीं करेंगे तब तक सही होने का इसका कोई चांस ही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों अब व्यवस्था बनाया जा रहा है। अब इतना बड़ा टब तो मेरे पास है नहीं और हम बहुत दिमाग लगाए इसको कि क्या किया जाए। तो एक तरकीब लगाए हैं, प्लास्टिक के ऊपर रख के इसको और पानी भर के लीकेज चेक किया जाएगा आपके सामने। बने रहिएगा, वो भी तरीका सही है। और एक टब अगर बना हो तो भी तरीका सही है। अब देखते हैं, हम भी एक फार्मूला अपना आजमा रहे हैं। अगर जो सफल हो गया तो फिर बहुत सस्ता और बहुत टिकाऊ फार्मूला माना जाएगा, और नहीं सफल हुआ तो फिर जो होगा देखा जाएगा। तो आगे बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके साथ बहुत बहुत कांड करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये प्लास्टिक मंगाए थे, यहाँ पे बिछा के पानी डाल के, मतलब जो मछली वाला व्यवस्था होता वही बनाए थे, लेकिन फिर भी नहीं दिखा। बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं दिखा। अब ये कूलिंग कॉइल एवापोरेटर हम बाहर निकाल लिए हैं और इसके फिल्टर के साथ एक पिनवाल जोड़ दिया जा रहा है। और इस साइड में एक और इसमें गुल्ली जोड़ के, छोटा सा टुकड़ा पाइप का जोड़ के इसको पैक कर दिए हैं। ये पैक हो गया पूरी तरह से, क्योंकि इसके माउथ को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब ये पूरी तरह से जब पैक हो जाएगा तो इसमें प्रेशर डाल के इसको किसी छोटे पात्र में भी हम डुबो के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमारे इंजीनियर साहब ये अथाह मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद है, क्योंकि ये रेफर किया हुआ एसी है। अब देखा जाए कि क्या होता है, इसमें निकलता है कि उसमें निकलता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। केवल रिस्क पे काम हो रहा है, टोटल काम रिस्क पे हो रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या किए हैं, कैसे किए हैं, कितनी कठिनाई आई है। बने रहिएगा। तो दोस्तों फाइनली अब इसका सेटअप होने जा रहा है। अब जो है इसमें देखिए भी प्रेशर रुका हुआ है, इसमें देखिए इसको दोबारा सेट करने से पहले एक छोटा सा इसमें सावधानी आपको बरतना चाहिए, क्योंकि हमने नाइट्रोजन तो डाला नहीं था और हवा में होता है नमी जो हम प्रेशर डालते हैं, तो उस कमी को दूर करने के लिए पहले ये जो हम अलग से पाइप जोड़ रखे हैं इसको निकालेंगे और पिनवाल को अभी ऐसे लगे रहने देंगे। इस पाइप को फ्लश करने के लिए, ड्राई करने के लिए कुछ एक युक्ति लगाया जाएगा, और क्या लगाया जाएगा आपको करके दिखाएंगे। तो बने रहिए। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो पे भी काफ़ी मेहनत हुआ है, क्योंकि बहुत माइनर लीकेज था, आपको आप देख चुके होंगे। और क्या करना है आगे आपको बता रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम मिलकर इसको ढूंढी है, बहुत मेहनत की है हमारे इंजीनियर साहब भी, और ये बच्चे हमारे बहुत मेहनत किए हैं इस पर। तो चलिए बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला भी हमारा खुल गया है, इधर का भी खुल गया है। अब एंटी मोस्ट काट के इसमें डाला जा रहा है,
कम से कम एक कॉइल में दो एंटीमोस पड़ेगा। और क्या करना है इसके बाद आपको बताएंगे। थोड़ा सेफ्टी के लिए और कुछ है नहीं, इसे कॉइल को फ्लश करने के काम आएगा, जो भी नमी वगैरह हवा के साथ गया होगा उसको किल कर देगा। तो हाँ, पिन अच्छा, रन डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, पिन की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट फ्लश करना है। ये बचा हुआ जो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है उसी प्रेशर से हम लोग फ्लश करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बचे हुए प्रेशर से। हाँ, इसको दाब के रखना है, दाबो, इसको दाब के भी रखिए ताकि, हाँ, अंगूठी से, चुटकी से नहीं रुकेगा। हाँ, अब इसको खोल दीजिए, खोलिए, मजबूती से बंद है। हाँ, खुल गया, चलिए, बस 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 बस। अब यहाँ आपको हाँ, तो देखिए रिलीज हुआ, रुक जाओ, रिलीज हो गया टोटल। अब हाँ, बंद करके रखो, दबाव बना रहा था, यानी प्रेशर था। हाँ ठीक है, खोलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो ठीक है, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अब निकाल लीजिए इसको। अब इसे जो है एंटीमोस पूरी पाइप में हमारा पहुंच गया होगा और गैस के साथ फ्लश भी हो गया, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन गैस भी डालें इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला हो गया, अब दूसरे वाले के साथ भी वही काम करना है, उसको भी उठा लाइए आराम से, सावधानी पूर्वक लाइए। हाँ, सेम वही काम इसके साथ भी करना है। अच्छा, खड़ा कर दो, खड़ा कर दो, इधर इधर से, हाँ हाँ, खड़ा कर दो, हाँ ठीक है, हाँ इधर और करीब करीब मिलाओ, हाँ फिट है, फिट है, चलो ठीक है, इस, हाँ ठंडा बहुत पहले हो गया है। चलिए एंटीमोस डालिए इसमें भी, एंटीमोस हुआ, इसमें भी एंटीमोस डाला जा रहा है। और उसके बाद इसको भी फ्लश किया जाएगा। तो ये अपनी थोड़ी सावधानी के लिए है, और ज़रूरी है सावधानी, जो उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह गया होगा हमारे वायुमंडल का, उसको ये किल कर देगा। और दोस्तों बहुत से कस्टमर ये लीकेज के चक्कर में परेशान हैं, और कुछ कारीगर जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि गैस डाल के तीन बार इसमें गैस डाल चुका था कारीगर। बताइए, अगर लीकेज है तो तीन नहीं 30 बार अगर कोई डालता है, कोई इफेक्ट होने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन पता नहीं कैसे सब गैस डाल देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, ये हो गया, नोजल लगाइए, दिल दाब के रखो, हाँ देखिए गैस चढ़ रहा है, शाबाश, नमी भी निकल रहा का, अरे एंटी मोस्टा होगा, निकल रहा होगा, चलिए हो गया, बंद कर, चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये फ्लश हो चुका है, और अब इसको इसके सेट के साथ कंप्लीट किया जाएगा। बहुत लाइट दे रहा है भाई, क्या बताया जाए, ऊपर से रोशनी की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए हो गया, हो गया, बंद कीजिए। तो आगे किस तरह क्या करना है दोस्तों हम बताएंगे, बने रहिएगा। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो
जिन भाई को ट्रेनिंग लेना है वो संपर्क कर सकते हैं। ये जो पहला वाला नंबर हमारा 8185-95-77 वाला, ये वाला नंबर, इस पर संपर्क करें, वैसे किसी पे भी कर सकते हैं। आगे क्या करना कैसे करना बताएंगे, बने रहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभी कभी ग्राहक के स्मार्ट होने का फ़ायदा इंजीनियर उठा लेते हैं। जैसे कि अगर कोई इंजीनियर गया काम करने के लिए और कस्टमर अक्सर देखा जाता है, कस्टमर खुद कहते हैं भैया मेरे एसी का, मेरे फ्रिज का गैस कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, गैस डाल दीजिए। खुद कहते हैं इस बात को कि गैस डाल दीजिए, गैस कम हो गया है। अब इसमें इंजीनियरों का जो है, ज़्यादातर जो चिटफंडिया इंजीनियर हैं उनकी दाल गल जाती है कि भैया जब कस्टमर कह रहा है तो क्या बुराई है डालने में, डाल दो। लेकिन इंजीनियर को भी चाहिए अगर लीकेज है, मैं गैस ख़त्म होता नहीं है। देखिए चाहे आप इंजीनियर हों और चाहे आप कस्टमर हो, दोनों के लिए एक चीज़ बहुत विशेष बात है, एसी या फ्रिज का गैस लाइफ टाइम नहीं ख़त्म होता है, ख़त्म नहीं हो सकता है, नहीं उसकी प्रॉपर्टी वीक हो सकती है। ये जब कोई उसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ और लीकेज हुआ तभी उसका गैस जाएगा। टेक्निकल फॉल्ट में वही लीकेज होता है और दूसरा कुछ है हो नहीं सकता कि जिसकी वजह से गैस जो है निकल जाए, ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादातर इंजीनियर बेवकूफ़ बना देते हैं, ये कह के भैया गैस कम हो गया है, गैस ख़त्म हो गया है, गैस कमज़ोर हो गया है। तो दोस्तों आप एक चीज़ सावधानी बरतें कि गैस न कम होता है, न ख़त्म होता है और न ही वीक होता है। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि हमारा कूलिंग नहीं हो रहा है और गैस की प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले लीकेज का शॉर्ट आउट कराइए। जब तक लीकेज शॉर्ट आउट नहीं होगा तो ज़िंदगी में कभी भी आपका वो ठीक नहीं होगा, आपको मतलब बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसमें भी ढूंढा गया, लीकेज मिला, लेकिन कुछ की वीडियो का मतलब कई स्टेप में इसको इस वीडियो को बनाए हैं, तब कुछ स्टेप डिलीट हो गया हमारे मतलब कमजोरी की वजह से किसी भी कारण से, तो क्षमा चाहेंगे। लेकिन जो भी है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप और भी जानकारी वाले प्रोसेस दिए हैं इसमें, तो पूरा देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियो बना के हम डालते रहते हैं। तो दोस्तों कॉइल सेटअप करने से पहले थोड़ा सफाई हो गया, जो भी इसमें डस्ट वगैरह जमा हुआ था साफ़ करके उसको गिरा दिया गया बाहर। सबसे पहले इसका ये हीटिंग कॉइल ही लगाया जाएगा और पिनवाल पहले निकाल लेंगे, तब ना पिनवाल। इसके ब्लेड को सेट किया जा रहा है सावधानी पूर्वक, जो भी करना है बहुत केयरफुली हो करना है। ये खाली बाटल हटाओ, हट जाओ, आगे से आगे सड़ो। तो ये ब्लेड सेट हो जा रहा है दोस्तों। इसके फ्रेम को भी बहुत अच्छी तरह टाइट करना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इसमें लूजिंग रहेगा या कोई पेच नहीं लगाते हैं तो ब्लेड को तुरंत तोड़ देगा, जब स्पीड में आएगा ब्लेड को तोड़ देगा। तो सेटअप अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसको निकाला कहाँ से गया था, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया गया था, फिल्टर के पास से डिस्कनेक्ट किया गया था और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यहाँ से डिस्कनेक्ट किया गया था इस जॉइंट से, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके पीसीबी को अब वैक्यूम करके हम लोग देख भी लिए हैं, ये भी निर्वात में है और कोई समस्या आगे नहीं दिख रहा है। अब जो है पीसीबी लगाया जाएगा, इसको ऑन करके देख लिया जाएगा कंडीशन सब कुछ अगर जो नॉर्मल रहा तो गैस चार्जिंग भी किया जाएगा। और लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोस्तों अब गैस चार्जिंग का टाइम आ गया है, R22 इसमें फिल किया जा रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा पर्च कर लें, इसको थोड़ा सा पर्च कर लें और पर्च करने के बाद ही इसको आगे बढ़ाएं। अब यहाँ से हम इसको खोल रहे हैं, एक मिनट।
हाँ ठीक है, देखिए वहाँ से बढ़ाइए। हाँ बढ़ाइए बढ़ाइए। उल्टा करके ही डालना है, स्कैन को उल्टा करके ही डाला जाता है। तो चलिए यहाँ देखिए आइस बन रहा है, पर अभी तो चलिए बंद कीजिए। इसको यहाँ से बंद करके देखा जा रहा है आपकी मैंने क्या हाँ कंट्रोल यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। अब चालू किया जाएगा, अब चालू करके देखा जाएगा क्या कंडीशन है इसका। और यहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ से ऑन हुआ, ये फैन स्टार्ट हो गया और कंप्रेसर अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। तो आगे क्या क्या होना है बताएंगे, बने रहिए। और दोस्तों लास्ट में एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, एक प्रकार का टिप्स देंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा एसी के बारे में। तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है और गैस फिल किया जा रहा है, और अभी देखना है यहाँ अभी टेम्परेचर तो खास नहीं आया है क्योंकि अभी गैस पड़ रहा है, एक कैन के बाद ही आना शुरू करेगा। तो दोस्तों यहाँ हीटिंग आना शुरू हो गया है और अभी हल्का हल्का है और थोड़ी देर में अपने मौसम पे आ जाएगा। अभी तो है कितना, अभी 10 पाउंड भी ढंग से नहीं हुआ है, तो अभी इसका पेट पूरी तरह से खाली है और अभी ले ही रहा है। डालिए डालिए डालिए, एक कैन में दिक्कत नहीं, एक कैन में आप तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 60 पाउंड गैस इसमें पड़ चुका है। यहाँ कूलिंग भी आ गया है, ठीक ठाक कूलिंग आ गया है यहाँ पे, और यहाँ हीटिंग भी उसी अकॉर्डिंग है, तो कोई इशू तो दिख नहीं रहा है, अब सब कुछ ठीक ठाक है। एम्पियर भी चेक कर लिया जाएगा, क्या एम्पियर है इसका चेक कीजिए भाई, हमारे इंजीनियर साहब टंग टेस्टर लगा रहे हैं, वहीं से चेक कर लेंगे कितना है। 8 एम्पियर। चलिए हमारा करो। दोस्तों अब इसे पैक किया जा रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है और 100% ये पूरी तरह से तसल्ली के साथ हुआ है।